आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बोया का माइक लिया हूं जिसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। मैं अभी तक इसको खोल करके नहीं देखा और ये अभी अभी अमेजोन से मैं पार्सल के माध्यम से मंगवाया हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे और अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग नहीं किया हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोगों को मैं लाइव दिखाऊँगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो पहले जो हमारा बोया का माइक था, ठीक है, जो कि ये मैं लगाया हूँ, आप सुन रहे होंगे, इससे मैं अभी बोल रहा हूँ, इसी माइक से मैं पहले आप लोगों को वीडियो बना करके देता था, जिससे क्या होता था कि इनका जो आवाज़ है, जो तबले का साउंड है, वो क्लियर नहीं आ पाता था, ठीक है। उसमें दोस्तों तो मैं सोचा कि एक और मैं माइक लिया जाए बोया का, जिसमें दो माइक लगा हो, ठीक है, एक ही तार में दो माइक लगा हो। तो ये जो है इसमें दो माइक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम एक माइक को हम दाहिने तबले में लगाएंगे और एक माइक को बाएं तबले में लगाएंगे, ठीक है। इस दोनों माइक को लगा करके फिर हम अब वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि इसका साउंड कितना ज़बरदस्त आता है, ठीक है। और पहले मैं एक ही माइक का यूज़ करता था और उसमें दोनों साउंड आते थे, दायां और बायां दोनों का, ठीक है। और मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में सुनाऊंगा, अभी तबला बजा करके मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है। जो अभी मैं ये नया माइक परचेज किया है इसका मैं साउंड सुनाऊँगा और बहुत ही आनंद आएगा सुनने में, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी मैं कुछ परचेज करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता है। जैसे मैं नया तबला लिया, हाल फिलहाल में मैं नया तबला लिया हूँ, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, अनबॉक्सिंग किया, लाइव अनबॉक्सिंग किया, ठीक है। और आज भी मैं आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं अभी तक इसे खोला भी नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ लाइव इसे मैं खोलूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और देखते हैं, ठीक है, एक कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम इसे खोलते हैं, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये कुछ इसका वारंटी होता है एक साल या 6 महीने का, वो मैं अभी नहीं देखा हूँ। ठीक है, इसका साल भर का वारंटी है, ठीक है। यदि साल भर में ये इस माइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये हम वापस कर सकते हैं अमेजोन के माध्यम से, ठीक है। और ये अमेजोन के माध्यम से ही लिए हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब माइक को खोलते हैं, देखते हैं इसमें कैसा है। दोस्तों ये बहुत ही सेफ्टी से देता है, तो चलिए अब ये खोल दिए ऊपर से, अब यहाँ से खोलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका माइक का बैग और इसमें है आपका ये माइक, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिए हुआ है। और देखिए ये इसमें ये जो आप पर्ची देख रहे हैं, ये छोटा सा जो आप डिक्शनरी टाइप का देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें यूज करने का तरीका बताया गया है कि आप इस माइक को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ सेटिंग होता है, सेटिंग सेट करना होता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, हम इसके माध्यम से इसे सेट करेंगे, ठीक है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। देखिए तो चलिए हम माइक को देखते हैं अब, ठीक है। देखिए ये रहा आपका बोया का माइक, ठीक है। देखिए इसमें दो माइक लगे हुए हैं, ठीक है, एक तो आपका ये हो गया और एक माइक ये हो गया, ठीक है।
मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटिंग करके, सारे सेटिंग मैं करके ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आप लोग इसी प्रकार से बने रहें। दोस्तों मैं जो भी नया चीज़ लेता हूँ वो सारे कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? ये इसका बैटरी हो गया, ठीक है? इस बैटरी का कब यूज़ किया जाता है? जब आप किसी कैमरे के साथ इसका यूज करेंगे तो आप इस बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप किसी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ यदि वीडियो बनाते हैं तो उस समय इस बैटरी को नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है? तो हम इस बैटरी का यूज नहीं करने वाले इस मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में, ठीक है? तो ये रहा माइक इसका, और ये माइक का कवर, ठीक है? तो अब मैं इसे लगा लेता हूँ। ये हो गया इसका टोपी, ठीक है? तो देखिए मैं लाइव सेटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा इससे, ठीक है? और आप लोगों को सुनाऊंगा भी इसी वीडियो में, ठीक है? देखिए तो ये हो गया आपका माइक, ठीक है? और ये हो गया इसका पिन जो हम मोबाइल में लगाते हैं, ठीक है? तो ये लगा करके एंड्रॉयड फ़ोन में, और फिर हम इस दोनों माइक से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो ये आप लाइव देख लिए, ठीक है? ये रहा माइक। अब हम चलिए बजा करके कुछ सुनाते हैं, इस माइक का साउंड चेक करते हैं कि इसका साउंड कैसा है, कैसा ये आवाज़ देता है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं और सीखते हैं कुछ इस पर कहरवा पैटर्न दादरा कुछ बजा करके सुनाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए मैं माइक लगा लिया हूँ, ये आपका दो माइक रहा, एक यहाँ लगा लिया हूँ और एक बेस में लगा लिया हूँ, ठीक है? एक टोन में एक बेस में, ठीक है? अब सुनते हैं तबले का साउंड कि कैसा ये बना करके देता है, ठीक है? तो चलिए बजाते हैं एक कहरवा पैटर्न जिसका प्रयोग माता जी के जागरण में हुआ है, माता जी के सॉन्ग पे हुआ है, ठीक है? तो चलिए बजा करके सुनाते हैं आपको। फास्ट कहरवा पैटर्न बजा करके सुनाता हूँ, ठीक है?
कैसा लगा सुनकर के कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।